मैं श्रेया तिवारी की मम्मी नीतू तिवारी हूँ और मेरी बच्ची को मरे जो है कि आज 22 से 21 दिन हो चुका है, लेकिन कोई मतलब हमसे कोई जानकारी साझा नहीं किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो पीड़ित है उससे कोई जानकारी नहीं ली जा रही ना बताई जा रही है, लेकिन जो अपराधी हैं उनसे सारी जानकारी उन्हें पता चल रही है, उनसे मिला जा रहा है, उनके बारे में पूछा जा रहा है, बार बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपराधी नहीं है। और मेरी बेटी को सिर्फ एक बिंदु पे कि उसने मोबाइल लाई थी, वो मोबाइल पे बात करती थी, ये मैटर है। अच्छा, आप लोगों ने विद्यालय में एडमिशन कराया था, आप लोगों को नहीं पता था विद्यालय? नहीं, हमें नहीं पता था, हमें तो समाचार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसकी मान्यता नहीं है। अगला कदम आपका क्या है इसके बारे में भी? जो हम लोग इसके बारे में भी हम बात आए हैं, डीएम सर से बात करेंगे, अप्लीकेशन देने आए हैं हमने, क्योंकि मुझे कुछ भी हो, मेरी बेटी मर गई है तो इसका मतलब नहीं कि अब वो पैसे वाले हैं। ये चीज़ें शुरू से आ रही हैं, कल को अगर हमको या मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो ये प्रशासन जिम्मेदारी लेती है या सरकार लेती है? मेरा एक छोटा बच्चा भी है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर हम भारत में रहते हैं तो क्या हम मदद तब दूसरे देश की सरकार से लें? हमारा अधिकार है कि हमें सरकार यहाँ की मदद दे। हमने जो है कि जनता दरबार में भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ नहीं आशा लग रही है, हम कहाँ जाएं बताइए, हमें किसके दरवाजे हम जाके गुहार लगाएं? योगी बाबा के पास गए थे क्या? हाँ गए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ 21 दिन 22 दिन हो गया, हमें कुछ नहीं पता है। हम इसी के लिए आए थे कि हमको पता चले कि क्या उनके यहाँ से भी कोई अप्लीकेशन या कुछ चीज़ें आई हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कोई बता रहा है। और न तो हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है। तो क्या लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि मेरी बच्ची खोई है, मैं न रात को सोती हूँ न दिन को चैन है मुझे। मेरी बच्ची हर वक्त मेरे यहाँ निगाहों के आगे नाचती, क्योंकि मेरी बच्ची न बीमार थी न कुछ थी, इसलिए मुझे मेरी बच्ची के लिए न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसमें जो लोग इसमें अपराधी साबित होंगे मैं सबको कोर्ट के ही जरिए लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं ऋतुराज तिवारी, श्रेया का पिता, और मैं आज हमारी बेटी को मरे 21 दिन 22 दिन हो गया और किसी भी प्रकार का हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारी जांच कैसे हो रही है, कहां हो रही है और कौन कर रहा है, ये सब जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी। इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे और डीएम साहब जब नहीं थे तो हमसे कहा गया, एडीएम साहब मिले, एडीएम साहब ने बोला कि आपके जो जांच वगैरह की जो भी जानकारियां हैं वो कोई रोहित करके नाम है, वो अपर जिलाधिकारी नाम से हैं, उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने बहुत ही मतलब अकड़ के साथ जो है जवाब दे रहे थे कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आपके साथ जो सिंपैथी थी वो भी नहीं। मैं सर गुनाह कर दिया, मैं उनको उनसे अगर उनको इनके यहाँ पूछने आ गया कि सर मेरी स्टेटस बता दीजिए कि क्या चल रही जांच में, तो मैं गुनाह गया, जबकि वही बोले कि आपके यहाँ कोई अधिकारी नहीं गया 16 दिन से। हम कहा सर कोई अधिकारी नहीं गया, लेकिन फिर भी अकड़ रहे हैं। जो अपराधी है उनसे सवाल किए जा रहे हैं, अपराधी हैं उनसे बात की जा रही है, लेकिन जो पीड़ित है उससे कोई बात नहीं की जा रही है। अभी क्या चाहते हैं? फिर सर हम पता चला कि डीएम साहब फिर आ रहे हैं तो मैं फिर रुका हूं और डीएम साहब को भी ये चीज़ बताऊंगा।